आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस जो हैं वो बेहद नाराज हैं अपनी फ्रेंचाइजी से, जो कि सुरेश रैना चिन्ना थाला जो उनके फेवरेट हैं, उनके बहुत बड़े मैच विनर रह चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो अनसोल्ड रह गए। उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको नहीं खरीदा ऑक्शन पर्स में पैसे होने के बावजूद, और उसके बाद से ट्विटर पे बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। हैशटैग सुरेश रैना, हैशटैग चिन्ना थाला, ये सब जो है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक और ट्रेंड है जो कि सोमवार को देखा गया, वो था हैशटैग बॉयकॉट चेन्नई सुपर किंग्स। पहली नज़र में लग रहा है कि शायद ये सुरेश रैना की वजह से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन है वो खिलाड़ी जिसकी वजह से तमाम जो फैंस हैं चेन्नई के वो इस फ्रेंचाइजी को बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा को अपने खेमे से जोड़ा, जिससे नाराज होकर फैंस टीम से उस खिलाड़ी को निकालने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर टीम ऐसा करने से इनकार करती है तो वो अपनी फ्रेंचाइजी के नाम से चेन्नई शब्द हटा दे। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिलाड़ी को 70 लाख रुपए में जो है खरीदा है, और 2009 में LTTE के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही थी। सिन्हला जो सैनिक थे उन पर आरोप है तमाम वॉर क्राइम्स कमिट करने के, जहां तक बात है LTTE के खिलाफ, और इसलिए जो है तमाम तमिलियंस का गुस्सा जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फूट पड़ा है, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। बता दें श्रीलंका में तमिल भाषी और सिन्हली भाषी लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर वहां पर गृह युद्ध भी हो चुका है। हालांकि तमिलों के प्रति सिन्हली समुदाय से हुई हिंसात्मक घटनाओं का आक्रोश भारतीय तमिलों में भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये विरोध किया जा रहा है। फैंस की मांग है कि वो श्रीलंका के सिन्हली भाषा बोलने वाले प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं देखना चाहते। फैंस ने इस दौरान तमिलनाडु की स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के फैसले को याद किया, जिन्होंने CSK में श्रीलंकाई खिलाड़ियों के खेलने पर रोक लगाई थी और इसे DMK सरकार की भूल बताया। महेश तीक्ष्णा के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उतना ज्यादा अनुभव नहीं है। उन्होंने अब तक 4 वनडे और 12 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। महेश के नाम वनडे में 6 और अंतर्राष्ट्रीय T20 में 10 विकेट दर्ज हैं। महेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज का भी हिस्सा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।